राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन का हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दौरा किया। उन्होंने मशरूम निदेशालय की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों की जानकारी हासिल की। इस मौके पर केंद्र के निदेशक ने उन्हें मशरूम के महत्व के बारे में अवगत करवाया और ये भी बताया कि मशरूम अनुसंधान केंद्र मशरूम की प्रजातियां विकसित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है और देश के किसानों को उनके अनुसंधान से क्या फायदा पहुंच रहा है। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन का हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दौरा किया। उन्होंने मशरूम निदेशालय की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों की जानकारी हासिल की। इस मौके पर केंद्र के निदेशक उन्हें मशरूम के महत्व के बारे में अवगत करवाया और ये भी बताया कि मशरूम अनुसंधान केंद्र मशरूम की प्रजातियां विकसित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है और देश के किसानों को उनके अनुसंधान से क्या फायदा पहुंच रहा है। इस मौके पर राज्यपाल ने निदेशालय की प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सोलन शहर को मशरूम की राजधानी का खिताब हासिल है क्योंकि मशरूम अनुसंधान निदेशालय मशरूम की जागरूकता फैलाने के लिए बेहद सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि मशरूम को वैज्ञानिक रूप से किस तरह बेहतर किया जा सकता है और मशरूम का आम जनता के लिए क्या महत्व है इसके बारे में भी अनुसंधान केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि देश प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहा है जिससे मशरूम की खेती एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि मशरूम के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को इस अनुसंधान केंद्र से ज्यादा फायदा हो इसका प्रयास करेंगे। वो देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुआ है। इसलिए हमारे देश में कृषि का जो है बहुत बड़ा जो है साइंटिफिक मेथड के साथ नए नए पद्धतियों को उठाने के लिए किसानों के बीच में ले जाने के लिए ये मशरूम रिसर्च सेंटर जो है काफ़ी अच्छे जो है नवाचार से काम कर रहे और एक साइंटिफिक मेथड में काम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है हमारे हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा सेंटर होना और इसके लिए सोलन जो है ये मशहूर मशरूम का जो है एक नेशनल कैपिटल जो है माना हुआ सोलन है। तो इसलिए इससे जो है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ज़्यादातर के किसानों को ये मशरूम का बायप्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। किसान तो मशरूम आज एग्रीकल्चर में कर रहे लेकिन इसको आगे प्रोसेसिंग करके छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के रूप में जैसे मुझे आज ने बताया कि मशरूम बिस्किट्स मशरूम के जो है दवाएँ ऐसे बहुत से नए नए प्रोडक्ट्स भी आगे ला सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में और मुझे बहुत खुशी है इस रिसर्च को और खेती को प्राकृतिक खेती के रूप में बढ़ावा देके किसानों को दुनिया इनकम बढ़ाने का जो काम चल रहा है इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी जो है इसका काफ़ी जो है रिसर्च के लिए प्रावधान दे रहे। राज्य सरकार भी इसको उपयोग करने के किसानों को और ज़्यादा जो है फायदा लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आई मिलते हैं ब्रेक के बाद।